हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मेरा नाम निर्वैर सिंह है और आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड टूर एंड लाइफ चैनल पे। दोस्तों, आगे जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले हमने हमारी 8 वीडियो बनाई हैं, जो आपका वियतनाम, सर्बिया, अर्मानिया और अजरबैजान, इंडोनेशिया, वियतनाम और बैंकॉक के ऊपर हमारी जो वीडियो है वो है। तो जो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो बहरीन कंट्री के ऊपर है। देखेंगे कि बहरीन कंट्री इंडिया को वीज़ा ऑन अराइवल या फिर ई वीज़ा या फिर वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है इंडिया के लिए, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको हमारी ये सारी की सारी वीडियो आपको देखनी होगी। तो अगर आपको ये वाली वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो भी अच्छी ना लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल में कमेंट करके और अनलाइक करके हमें बताइए। उसके बाद हम अपनी वीडियोस की क्वालिटी और अपनी वीडियोस को और भी इम्प्रूव करने में कोशिश करेंगे। और अगर आपके पास कोई भी ऐसा टॉपिक है या फिर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे चाहिए जो आपके वीज़ा रिगार्डिंग हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल की इस ईमेल आईडी पे आप उसको सेंड करके हमसे उस चीज़ के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेट्स गो टू वॉच द वीडियो। ओके, चलो शुरू करते हैं। ओके, बहरीन कंट्री अरब की एक कंट्री है जो एक वेरी सक्सेसफुल कंट्री है और नीट एंड क्लीन कंट्री है। और वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें दिखेंगी। और बहरीन कंट्री इंडिया को ई वीज़ा प्रोवाइड करती है। आप बाय ऑनलाइन उसको ले सकते हैं। 90 डेज़ का ई वीज़ा प्रोवाइड करती है बहरीन कंट्री। तो वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं है। आप यहाँ पे दे सकते हैं होटल का एक्सपेंस और आपका एयर टिकट का भी एक्सपेंस यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। और आपका वीज़ा के लिए फ़ीस भी यहाँ पे आ जाएगी, वो आप देख लेना। और आपको उसके लिए वीज़ा कैसे अप्लाई करना है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए कौन सी वेबसाइट है, उसकी वेबसाइट पे जाके आपको कैसे वीज़ा अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, आपका 6 मंथ का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और उसके साथ आपकी अप एंड डाउन की टिकट होनी चाहिए, एयर कंफर्म टिकट होनी चाहिए एयर, और उसके बाद होटल की कंफर्म टिकट होनी चाहिए आपके पास। और उसके बाद आप ट्रेवल इंश्योरेंस को करवाना मत भूलिएगा। वो हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू बाय अ ट्रेवल इंश्योरेंस। और ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे ई वीज़ा के लिए। जब आप ई वीज़ा आपकी बाय ईमेल पे जब आप अप्लाई कर लोगे, ई वीज़ा आपकी बाय ईमेल पे आपके पास आएगा विद इन आई थिंक 1 डे वर्किंग डेज के अंदर आपको वो वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद आपको ई वीज़ा टिकट सॉरी एयर टिकट और आपका होटल कंफर्मेशन वाउचर और आपका पासपोर्ट ये लेके आपको अपने किसी अपने जो आपकी सिटी के साथ जो लगता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, बॉम्बे एयरपोर्ट हो गया, तो वहाँ से आप फ्लाइट लीजिए बहरीन के लिए। वहाँ पे जब आप उतरेंगे तो आपको इमिग्रेशन होगा वहाँ पे। आपका इमिग्रेशन ऑफिस में जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपका ई वीज़ा और ट्रेवल डॉक्यूमेंट आपके देके आपको इमिग्रेशन की स्टैंप लगा देंगे। उसके बाद आप बहरीन के अंदर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद बहरीन को आप पूरा घूम सकते हैं। तो जस्ट इतना ही था बहरीन कंट्री के लिए। और वहाँ की जो करेंसी है वहाँ पे दिनार चलता है, आप अपने पास अच्छी करेंसी लेके जाइए, क्योंकि बहरीन का जो 1 दिनार है वहाँ का इंडिया को अगर इक्वल टू करते हैं इंडिया से, तो 1 दिनार कम से कम 200 बहरीन दिनार होता है। तो प्लीज़, वैसे वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है। अगर आप होटल टिकट होटल का लेते हैं और वहाँ का जो एक्सपेंस है फॉर यू नो टैक्सी का वो भी कम है। और घूमने की जगह वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, डेजर्ट है, वहाँ जाइए घूमिए, बड़ी बड़ी इमारतें हैं। वहाँ का जो सिस्टम ऑफ ट्रैफिक रूल्स है बहुत अच्छा है वहाँ का, और सिटी नीट एंड क्लीन है। आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बस इतना ही था बहरीन के लिए। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, बाय।